हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। सुबह से बारिश लगी हुई है और अभी तो दोपहर के समय हो गया, फिर भी बारिश हो ही रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश होने के कारण नीचे पूरा पानी भर गया है। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा मौसम, सुहावना मौसम हो गया है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन नीचे पानी भर गया तो फिर आने जाने में परेशानी हो रही है सभी लोगों को। और पता नहीं यहाँ पे क्यों पानी भर जाता है, जब भी तेज बारिश होती है तो पानी पूरा भर जाता है, घुटने तक पानी भर जाता है। घुटने से थोड़ा सा नीचे रहता है लेकिन पानी उतना भर ही जाता है, फिर उसको मोटर से निकाला जाता है। और अभी तो बारिश हो ही रही है तो अभी पानी नहीं निकाला जाएगा, जब बारिश रुकेगी तभी निकाला जाएगा पानी मोटर से। और फ्रेंड्स, आज है 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि 1 सितंबर को ही मेरी बेटी का जन्म हुआ था, तो आज उसका जन्मदिन है। आज वो पूरे 6 साल की हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं चला समय कब गुजर गया। देखते देखते बच्चे बड़े हो गए तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बढ़ते देखना। और आज उसका जन्मदिन है तो शाम को उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। और ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो हम नहीं करते हैं, बस केक कटिंग करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। बस अपने बच्चों की खुशी के लिए हम रात में केक कटिंग कर लेते हैं, और आज भी केक कटिंग होगी तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आप अपना आशीर्वाद मेरी बेटी जरूर दीजिएगा ताकि वो पढ़ लिख कर आगे कुछ बन सके, कुछ कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और अगर आपकी दुआ रही तो हमारे बच्चे भी कुछ जरूर बन जाएंगे। और अभी मेरे दोनों बच्चे उस कमरे में हैं तो अभी मैं चलती हूँ उस कमरे में, और आपसे को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, और देखिए बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और नीचे कितना सारा पानी भर गया है। तेज़ बारिश होती है तो इसी तरह से पानी नीचे भर जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देख लिया हमारे यहाँ कितना तेज़ बारिश हो रहा है। और अब मैं चलती हूँ अंदर और आप सबको आयशा से मिलवाती हूँ। आज आयशा बहुत खुश है, उसका जन्मदिन है इसलिए। और ये जो वीडियो है वो 1 तारीख का है, लेकिन आप सभी को 3 तारीख को देखने को मिलेगा क्योंकि मैं हर दिन वीडियो नहीं डालती हूँ। आज ही मैंने अपना एक वीडियो पब्लिश किया है तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट ही जाएगा। और अब मैं अंदर चलती हूँ और आयशा से मिलवाती हूँ आप सभी को, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आयशा को ले आई हूँ उस कमरे से, इस कमरे में आप सभी से मिलाने के लिए। तो आयशा हेलो बोल दो। और आयुष नहीं आया, उसको मैंने बुलाया, वो अपने कार्टून देखने में बिजी है, अभी कार्टून देख रहा है, उसका फेवरेट कार्टून चल रहा है। और वहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बाहर किसी के घर में गाना चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही थी उस कमरे में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फिर मैं ले आई हूँ आयशा को, और आयशा का जन्मदिन है ना। हाँ, तो आप लोग इसको अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो देखिए प्रणाम कर रही है आप सभी को। हाँ, आज ऐसा 6 साल की हो गई है। और तुम्हारी डॉल कितने साल की हो गई? इसका बर्थडे तो रक्षाबंधन मैं आज रक्षाबंधन माई थी, अच्छा। उसके 2 दिन पहले तो तब होगा ना इसका बर्थडे। अच्छा, तो रक्षाबंधन के दिन आई थी, इसका रक्षाबंधन के दिन बर्थडे होगा है ना। अब आगे साल इसका बर्थडे होगा है ना। और आयशा अब रात में केक कटिंग करेगी, जब इसके पापा आएंगे तो फिर केक लेकर आएंगे, अभी वो नहीं आए, अभी तो बहुत टाइम है आने में। और रात में ये आएंगे तो उसी वक्त केक की कटिंग होगी। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और मैं मिलती हूँ आप सभी से शाम को। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो गया है, शाम के करीब 7 बज रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का अंधेरा ही हुआ है। ज़्यादा अंधेरा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारे थोड़ा सा लेट ही अंधेरा होता है। और अभी देखिए आयशा के बर्थडे की तैयारी हो गई है, इसके पापा आ गए थे तो केक वगैरह लेकर आ गए हैं, तो थोड़े से मैंने गुब्बारे लगा दिए हैं और रिबन, और ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, बस हल्का सा ही किया है, जितना हो पाए उतना किया है, और बच्चों की खुशी के लिए तो इतना करना बनता है। और देखिए अब आयशा का टीका वगैरह मैं करूँगी, उसके बाद फिर आयशा केक कटिंग करेगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए।
और देखिए फ्रेंड्स, आयशन अपना केक कटिंग कर लिया है और अब अभी अपने पापा को आयशा केक खिला रही है। और आप लोग तो बहुत दूर हैं तो आयशा तो आप लोगों का केक नहीं खिला सकती है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो आयशा ज़रूर आप सभी को केक खिलाएगी। और आप लोग अपना आशीर्वाद आयशा के लिए ज़रूर भेजिएगा, अगर आप दूर से भी आशीर्वाद भेजिएगा आयशा के लिए तो उसको ज़रूर मिल जाएगा आपका आशीर्वाद। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आयशा भी पढ़ लिख कर ज़रूर कुछ बन जाएगी। और अभी देखिए आयशा अपने भाई को केक खिला रही है। और मैंने बर्थडे का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शूट कर रहे थे, तो फिर आप सभी को उन्हीं का वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, आप मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।